जय हिंद इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी डी टी एल डायोट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली डी टी एल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू आर टी एल लॉजिक फैमिली दिस इज़ अ नोर गेट इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ आर टी एल लॉजिक फैमिली डी टी एल हैज़ गुड नॉइस मार्जिन एज कंपेयर टू आर टी एल डी टी एल हैज़ गुड फैन आउट एज कंपेयर टू आर टी एल लॉजिक फैमिली but DTL has slow speed as comparison to RTL. This is main drawback. DTL follows saturated logic. What is the meaning of saturated logic? DTL will operate in saturation and cutoff off region. Now we will implement two input NAND gate with the help of DTL logic. DTL means combination of transistor and diode. Here we are using diode and transistor. This is Input NAND gate. So, this is a logic circuit. Here we are using two diodes DA and DB. P side of both diodes is connected at this point. Here we are using two diode in series. Here we are using NPN transistor. And there is a base register across base to a meter terminal which is 5 kilo ohm. This is a BCC external bising or external power supply here we are using two register this one and this one which is 2 kilo ohm and 2.2 kilo ohm of class here we have to design two input nand gate so we are using two diode if we have to design three input nand gate with the help of dtl then we have to use three diode now we will see ट्रुथ टेबल देर आर टू इनपुट्स ए एंड बी हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन फोर जीरो 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 वन वन और ये जो डीटीएल होता है ये सैचुरेटिव लॉजिक को फॉलो करता है तो इस केस में ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो वो सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा और सेचुरेशन के रीजन में क्या होगा कोलेक्टर टू अमीटर जो बोल्ट ड्रॉप होगा वो जीरो पॉइंट टू बोल्ट होगा इसी तरह से जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो उस केस में वो कट ऑफ में चला जाएगा कट ऑफ के केस में ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट पास नहीं करेगा अब क्लास हेयर बी विल यूज लॉजिक जीरो एंड लॉजिक वन वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग फॉर लॉजिक जीरो इज जीरो पॉइंट टू वोल्ट विच इज इक्वल टू कलेक्टर टू अमीटर स्वेचुरेशन वोल्टेज इन सेम वे लॉजिक वन विल रिप्रेजेंट फाइव वोल्ट विच इज बीसी ए में लॉजिक जीरो अप्लाई किया बी में लॉजिक जीरो अप्लाई किया लॉजिक जीरो मतलब जीरो पॉइंट टू बोल्ट इसी तरह से बी मतलब जीरो पॉइंट टू बोल्ट अब क्लास अगर मैं ए को जीरो बोल्ट लेता तो उस केस में ए को मैं डायरेक्टली ग्राउंड से भी कनेक्ट कर सकता था अब यहां पर ए जीरो पॉइंट टू है बी जीरो पॉइंट टू है तो ये जो डायोड है डी ए ये फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा फॉरवर्ड वाइस में कैसे जाएगा एन में पोटेंशियल है जीरो पॉइंट टू और पी में हाइयर पोटेंशियलोज स्विच ऑपरेट करेगा इसी तरह से ये भी डायोड फॉरवर्ड में चला जाएगा एन में लोअर पोटेंशियल है जीरो पॉइंट टू और पी में हाइयर पोटेंशियल है अब क्लास में यह चेक करूंगा क्या इस पाथ में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा तो सिंपली जब ये डायोड फॉरवर्ड वाइस में है तो इसके क्रोस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 0.7 तो इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा 0.2 पॉइंट डेट इज दिस वन एंड दिस वन 0.7 ये टोटल हुआ 0.9 तो इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल हुआ 0.9 अब क्लास अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन होता तो ये ऑन कैसे हो सकता था अगर d1 और d2 दोनों ऑन होते और साथ में ये जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है ये मिनिमम 0.7 वोल्ट होती वैसे dtl में हम सैचुरेशन की बात करते हैं अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो उस केस में बेस टू अमीटर वोल्टेज 0.8 वोल्ट होगी पर मिनिमम वोल्टेज जो बेस टू एमिटर चाहिए वो 0.7 चाहिए तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये दोनों डायोड भी कंडक्ट कर रहे हैं उस केस में क्या होगा डी वन के अक्रोस ड्रॉप होगा 0.7 पॉइंट सेवन प्लस डी टू के अक्रोस ड्रॉप होगा 0.7 और टू मीटर वोल्टेज होगी 0.7 पॉइंट सेवन तब जाके ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो सिंपली 2.1 तो सिंपली इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू जो मिनिमम वोल्टेज चाहिए वो चाहिए 2.1 पॉइंट वोल्ट उस केस में करंट इस पाथ में फ्लो करेगा पर जब ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं उस केस में इस पॉइंट का पोटेंशियल विद रेफरेंस टू ग्राउंड जीरो पॉइंट नाइन बोल्ट है ये टू पॉइंट वन बोल्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ ये डी वन भी ऑफ रहेगा डी टू भी ऑफ रहेगा और सिंपली जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेगा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा कट ऑफ मोड तो क्या हुआ जैसे ए और बी जीरो जीरो हैं तो उस केस में दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाएंगे सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो होगा सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा d1 d2 और ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेंगे इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा अब यहां पर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज विद रेफरेंस टू ग्राउंड क्या मिलेगा यहां पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहां करंट फ्लो नहीं करेगा क्लोज पाथ नहीं बन रहा है तो यह जो पोटेंशियल है यही पोटेंशियल यहां पर मिलेगा तो हाई आउटपुट मिल रही है मतलब लॉजिक बन तो इस केस में क्या हुआ जीरो जीरो अप्लाई किया ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे D1, D2 ऑफ रहेंगे और जो आउटपुट है वो हाई मिल रही है लॉजिक बन नेक्स्ट A में लॉजिक जीरो B में लॉजिक बन लॉजिक जीरो मतलब जीरो पॉइंट टू बोल्ट और लॉजिक बन फाइव बोल्ट अब क्लास ये डायोड है ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज में एन में पोटेंशियल जीरो पॉइंट टू और पी में हाइयर पोटेंशियल है तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज में चला जाएगा यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा जीरो पॉइंट सेवन इस पॉइंट का भी रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल होगा जीरो पॉइंट नाइन मतलब मैं क्या बोल सकता हूं इस पॉइंट का रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल होगा जीरो पॉइंट नाइन अब क्लास एन के साथ जो पोटेंशियल है वो है फाइव वोल्ट और पी के साथ जो वोल्टेज है वो है जीरो पॉइंट नाइन पी में लोअर पोटेंशियल और एन में हाइयर पोटेंशियल है तो ये डायोड चला जाएगा रिवर्स वाइज में तो ये डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा ये डायोड ऑफ हो जाएगा अब क्या इस पाथ में करंट फ्लो करेगा वो नहीं करेगा इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल जीरो पॉइंट नाइन है ये ट्रांजिस्टर तभी ऑन होगा जब मिनिमम इस पॉइंट का विद रेफरेंस टू पोटेंशियल 2.1 पॉइंट बोल्ट होगा तो सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा ये जो डायोड है ये ऑफ रहेगा ये D2 भी ऑफ रहेगा ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ रहेगा उस केस में ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में रहेगा मतलब ऑफ यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा तो ये जो आउटपुट है यही आउटपुट यहां पर मिलेगी मतलब आउटपुट लॉजिक बन मिलेगी तो सिंपली जैसे जीरो बन अप्लाई किया डी ए मेरा हो जाएगा ऑन डायोड डी बी ऑफ ये रिवर्स वाइज में है डी वन डी टू दोनों ऑफ ऊपर जो आउटपुट मिल रही है वोल्ट मतलब लॉजिक बन इसी तरह से ए में वन अप्लाई किया बी में जीरो अब क्लास ये डायोड चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज इस पॉइंट में पोटेंशियल होगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट टू दिस वन प्लस जीरो पॉइंट सेवन इसके लिए तो जीरो पॉइंट नाइन अब यह डायोड चला जाएगा रिवर्स वाइज में पी में लोअर पोटेंशियल है एन में हायर पोटेंशियल है रिप्रेजेंट करेगा वोल्ट तो सिंपली तो तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर पोटेंशियल टू पॉइंट वन होता तब करंट फ्लो करना था तो उस केस में सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा डी वन ऑफ D2 टू ऑफ ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ मतलब कट ऑफ रीजन में रहेगा दिस इज ऑफ यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो ये जो पोटेंशियल है यही मुझे आउटपुट में मिलेगा मतलब आउटपुट हाई मिलेगी तो इस केस में वन जीरो केस में डी ऑफ डी बी ऑन रहा फॉरवर्डवाइज डी वन ऑफ डी टू ऑफ आउटपुट वन ए में वन बी में वन मतलब यहां भी फाइव बोल्ट यहां भी फाइव बोल्ट अब क्लास यहां पोटेंशियल फाइव बोल्ट है पी में भी फाइव बोल्ट है तो एक तरह से ये अनवाइस्ड हुआ तो सिंपली डायोड एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा इसी तरह से ये भी डायोड एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा एन में पोटेंशियल फाइव बोल्ट और पी साइड भी पोटेंशियल फाइव बोल्ट या क्लास इसको मैं ये एज्यूम कर लेता हूं ये डायोड कंडक्ट कर रहा है मैं ये जस्ट एज्यूम कर रहा हूं तो कंडक्ट करेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में यहां पर ड्रॉप होगा 0.7 तो इस पॉइंट में पोटेंशियल होगा 5.7 क्लास ये पॉसिबल ही नहीं है यहां पर हम बी सी सी फाइव बोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट में पोटेंशियल मिल रहा है 5.7 मतलब इस पाथ को अगर मैं देखता हूं यहां पर फाइव बोल्ट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है फाइव ये हो ही नहीं सकता यहां पर पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा दोनों डायोड ऑफ हैं तो इस केस में डीए भी ऑफ है और डी बी भी ऑफ है अब डी वन डी टू को देखो ये दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्डवाइज हो जाएंगे और इस केस में जो करंट है वो इस पाथ में फ्लो करेगा और करंट इस पाथ में भी फ्लो करेगा अब मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ D1 पे पोटेंशियल क्या, ड्रॉप क्या होगा 0.7 पॉइंट सेवन कंडक्ट कर रहा है D2 में भी ड्रॉप होगा 0.7। अब बेस्ड अब मीटर ये ट्रांजिस्टर चला गया सेचुरेशन में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है यह ट्रांजिस्टर सेचूरेशन में चला गया है तो सेचुरेशन के केस में बेस टू अमीटर जो वोल्टेज होती है वो होती है जीरो पॉइंट एट यह रजिस्टर पैरल में है इस रजिस्टर के अक्रोस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी जो बेस टू अमीटर सेचुरेशन में है और बेस टू अमीटर सेचुरेशन वोल्टेज होती है जीरो पॉइंट एट वोल्ट तो टोटल वोल्टेज कितनी हुई डी वन जीरो पॉइंट सेवन डी टू जीरो पॉइंट सेवन ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है तो बेस बेस्ट मीटर सेचुरेशन तो 2 .2 तो 2 .2 जीरो मैंने बोला था ये डी ए डीबी ऑफ है ये दोनों रिवर्स वाइज में है रिवर्स वाइज में कैसे हुए अब यहां पर देखो यहां पर पोटेंशियल टू पॉइंट टू बोल्ट ए में फाइव वोल्ट है एन में पोटेंशियल ज्यादा है और पी साइड पोटेंशियल कम है टू पॉइंट टू तो सिंपली ये डायोड है रिवर्स वाइज में और डी बी भी रिवर्स वाइज में है पी में पोटेंशियल टू पॉइंट टू और एन में पोटेंशियल है फाइव वोल्ट तो जैसे ही हम बन बन अप्लाई करेंगे डी ए और डी बी रिवर्स वाइज हो जाएंगे ये ऑफ हो जाएंगे करंट इस पाथ में फ्लो करेगा यह ट्रांजिस्टर चला जाएगा सेचुरेशन में और इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू पोटेंशियल होगा 2.2 पॉइंट टू बोल्ट और जैसे यह ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा सेचुरेशन के केस में क्या होता है कोलेक्टर टू अ वोल्टेज होगी बी सी ई सेट इज इक्वल टू जीरो जीरो पॉइंट टू बोल्ट तो जो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड हमें मिलेगी वो मिलेगी जीरो पॉइंट टू बोल्ट डेट इज लॉजिक जीरो और इस केस में जैसे वन वन अप्लाई किया डी वन भी ऑन है डी टू भी ऑन है दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट जैसे वन वन अप्लाई किया तो उस केस में आउटपुट जीरो मिली बाकी केस में आउटपुट वन मिली अब क्लस नैंड गेट क्या होता है नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट अब ये हमने जहां पर ये जो ट्रांजिस्टर लगाया है ये क्या है एक्चुअल में ये नोट गेट है और ये जो ब्लॉक है दिस इज एंड गेट विद डायोड तो एंड प्लस नोट इज इक्वल टू नैंड गेट और यहां पर हम टू डायोड सीरीज में यूज कर रहे हैं तो दिस इज ए नैंड गेट यहां पर जो नोट गेट बना है वो किसके थ्रू बना है ट्रांजिस्टर के थ्रू और यहां पर जो एंड गेट बना है वो डायोड के थ्रू बना है बेसिक फीचर ऑफ Properties of DTL logic family. Basic gate is NAND. Of class NAND gate is also known as universal gate. With the help of NAND gate, you can design any other gate or logical expression. So simply, with the help of DTL NAND gate, you can implement any logical expression. Propagation delay in the case of DTL family is 30 nanosecond. Figure of merit in the case of DTL family is 240 picojoule, and noise margin is. जीरो पॉइंट सेवन फाइव वोल्ट एंड फैन आउट इज थ्री अब क्लास ये जो डी फैमिली है इसमें फैन आउट कम है फैन आउट कितना है थ्री अब इस फैन आउट को अगर इंक्रीज करना है तो इस डायोड की जगह मैं ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकता हूं